नमस्कार, एक बार फिर चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा। आज हम बात करेंगे चाकसू विधानसभा सीट के बारे में। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे। एक तरफ जहां बीजेपी मिशन राजस्थान को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार रिपीट को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। चाकसू विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने यहाँ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने यहाँ से एक बार फिर वैद्य प्रकाश सोलंकी को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने रामावतार बैरवा को एक बार फिर मौका दिया है। आपको बता दें, चाकसू के वर्तमान विधायक वैद्य प्रकाश सोलंकी अब चाकसू विधानसभा सीट के 2018 के चुनाव पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस की वैद्य प्रकाश सोलंकी ने कड़े मुकाबले में 3431 मतों के अंतर से बीजेपी के रामावतार बैरवा को हरा कर जीत हासिल की थी। 2018 के चुनाव में चाकसू विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के शानदार प्रदर्शन से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। कांग्रेस के वैद्य प्रकाश सोलंकी ने 70,007 वोट हासिल किए, तो बीजेपी के रामावतार बैरवा के खाते में 66,576 वोट आए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हेमंत विजय ने 16,706 वोट हासिल करके बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व चाकसू विधानसभा सीट का अस्तित्व ज्यादा पुराना नहीं है। ये सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में है। यह सीट दौसा लोकसभा सीट के तहत आती है। अब अगर नजर डालें चाकसू के राजनीतिक इतिहास पे, तो 2008 में चाकसू सीट पर हुए पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। फिर 2013 के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने जीत हासिल की और 2018 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। इस बार चाकसू विधानसभा सीट से जीत किसको मिलेगी, ये तो जनता ही तय करेगी। अब बात करें चाकसू विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण की, तो यहाँ 2,30,000 के आसपास मतदाता है। चाकसू विधानसभा सीट गुजर और मीणा बाहुल्य सीट है और अन्य जातियां भी यहाँ प्रभाव रखती है। अब बात करते हैं यहाँ के 2023 के चुनाव के उम्मीदवारों के बारे में। कांग्रेस प्रत्याशी वैद्य प्रकाश सोलंकी की बात करें तो वे वर्तमान में चाकसू में विधायक हैं। ये पायलट खेमे के हैं और आपको बता दें कि वैद्य प्रकाश सोलंकी 2018 में चाकसू से पहली बार विधायक बने। उन्होंने NLCY से सियासी करियर शुरू किया था। वे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी रहे। अब बात करते हैं बीजेपी प्रत्याशी रामावतार बैरवा की। वे किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वे नगर पालिका चाकसू से पार्षद भी रहे हैं। उन्होंने 2018 में चाकसू से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार चाकसू विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता ही तय करेगी। अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक और विधानसभा के राजनीतिक समीकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।